दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और जेल से सरकार चलाने की चर्चाओं के बीच दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बयान ने एक और नई बहस शुरू कर दी है। दिल्ली के एलजी सक्सेना ने बुधवार 27 मार्च को एक बयान देकर चर्चा के केंद्र बिंदु में आ गए कि जेल से दिल्ली सरकार नहीं चल सकती। एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में सक्सेना ने कहा कि मैं दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जेल से सरकार नहीं चलेगी। एलजी सक्सेना की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब हाल ही में ईडी की हिरासत से ही सीएम केजरीवाल ने दो सरकारी आदेश जारी किए हैं। तो क्या फिर दिल्ली का कोई नया निजाम नियुक्त किया जाएगा या फिर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा? नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। बता दें, ईडी की हिरासत से केजरीवाल ने पहला आदेश रविवार 24 मार्च को जारी किया था। इसमें उन्होंने जल मंत्री आतिशी को दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया था। इसके बाद मंगलवार 26 मार्च को उन्होंने दूसरा आदेश जारी किया था, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को दिल्ली के सरकारी अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा था। ऐसे में एलजी सक्सेना की जेल से सरकार नहीं चलेगी टिप्पणी से नई राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है। ऐसे में लोग अब सवाल कर रहे हैं कि जेल से सरकार क्यों नहीं चल सकती। दरअसल भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो जेल जाने पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़े। हालांकि ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं है कि जो एक मुख्यमंत्री को जेल से सरकार चलाने की अनुमति देता हो, और ऐसा भी कोई कानून या संवैधानिक प्रावधान नहीं है जो उपराज्यपाल को केवल मुख्यमंत्री की कैद के आधार पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को बर्खास्त करने की अनुमति देता हो। तो फिर दिल्ली के राज्यपाल वीके सक्सेना की टिप्पणी का मतलब क्या है? संविधान के जानकारों का मानना है कि जब तक मुख्यमंत्री केजरीवाल ईडी या सीबीआई की जांच के दायरे में थे, तब तक एलजी के रूप में वीके सक्सेना की भागीदारी भी कम थी। लेकिन जेल जाने की स्थिति में अब दिल्ली में सामान्य शासन को बहाल करने की जिम्मेदारी एलजी के कंधों पर आ गई है। ऐसे में एलजी सक्सेना की टिप्पणी दिल्ली के राजनीतिक नेतृत्व में बदलाव का संकेत दे रही है। माना जा रहा है कि केजरीवाल के जेल जाने की स्थिति में अब एलजी सक्सेना सरकार के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए एक नए नेता को नामित करने का प्रस्ताव रख सकते हैं, क्योंकि केजरीवाल के जेल जाने के बाद दिल्ली में संवैधानिक संकट तो खड़ा हो गया है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की आशंका भी जताई है। केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ने गुरुवार 28 मार्च को कहा कि अगर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो ये साफ तौर से राजनीतिक प्रतिशोध होगा। आप नेता आतिशी ने एलजी सक्सेना की टिप्पणी पर कहा कि जनप्रतिनिधि कानून के तहत दोषी ठहराए जाने पर ही किसी विधायक को अयोग्य करार दिया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि देश का कानून बहुत साफ है, जीएनसीटीडी एक्ट भी है जो कहता है कि अगर सदन में आपके पास बहुमत नहीं है तो आप मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। ये शर्त इस मामले में लागू नहीं होती। तो किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा? और राष्ट्रपति शासन तभी लगाया जा सकता है जब कोई विकल्प न हो। अनुच्छेद 356 का मुद्दा कई बार सुप्रीम कोर्ट में गया है और हर बार अदालत ने कहा है कि राष्ट्रपति शासन केवल तभी लग सकता है जब राज्य में कोई दूसरा विकल्प न हो। वैसे भी उपराज्यपाल के पास केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत की सरकार है। दिल्ली की राजनीति से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।